ये इंस्टेंट 5 मिनट में बनने वाली हेल्थी इवनिंग स्नैक रेसिपी ऐसी है जो आपकी जिंदगी को आसान बना देगी। तो स्वागत है आपका शेफिंग विद एके में। यहाँ मैंने 7 पीसेस अरबी ली है, या जिसे कोलोकेसिया रूट्स भी कहते हैं, और इसे पील कर लिया है। यहाँ पील करने से पहले या तो आप ग्लव्स पहनिएगा या तो इसे बहुत अच्छे से धो लीजिएगा, वरना कभी कभी इसकी वजह से आपके स्किन में इरिटेशन होती है। इस अरबी को पील करने के बाद एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे, पानी डालेंगे, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे और नमक डाल देंगे, और इसे पकाएंगे हाई फ्लेम पर 4 सीटी के लिए। जब तक ये पक रहा है, हम एक बड़ा आलू लेंगे और उसे पील कर लेंगे और इसे ऐसे स्टिक्स में काट लेंगे। पैन लेंगे, 1 बड़ी चम्मच जितना तेल डालेंगे और इन आलू को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे और साइड पे रख देंगे। हमारा अरबी अच्छे से पक गया है, इसे ऐसे छोटे पीसेस में काट लेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है और अभी भी थोड़ा फॉर्म है, मैश नहीं हुआ। पैन में 1 बड़ी चम्मच तेल ऑयल डालकर इस अरबी को फ्राई करेंगे। इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक इस पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। इसे भी साइड पर निकाल लेंगे और अब बस इसका मसाला बना लेंगे। उसके लिए फिर से पैन लेंगे और 1 बड़ी चम्मच और तेल डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे पकाएंगे जब तक इसका कच्चा स्वाद नहीं चले जाता, और इसमें 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। इसे लो फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे 1 मिनट के लिए, और अब जो फ्राई किए हुए अरबी और आलू है वो डाल देंगे। इसे अच्छे से टॉस करेंगे ताकि मसाला इस पर अच्छे से कोट हो जाए। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच जितना, 1/4 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे, आखिर में स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और बस गैस का फ्लेम बंद करके बहुत सारा कटा हुआ धनिया डाल देंगे। और ये आपका बहुत ही स्वादिष्ट 5 मिनट में अरबी और आलू से बनाया हुआ इवनिंग स्नैक तैयार है। तो बनाइए इसे और मजा लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल शेफिंग विद एके को।